अब हमने क्या करना है, वी आर टू फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु आर टीचिंग फिजिक्स, नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फिजिक्स, एन ऑफ पी हमें निकालना। सो क्या क्या गिवन है, यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन सेट गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट आपको निकालना है। तो चाहे एम यूनियन पी वाला फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे एम इंटरसेक्शन पी वाला कर लो, सो यू विल गेट योर आंसर। ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फिजिक्स हमने निकालना है, एंड दिस इज गिवन टू बी फोर एट। सो दिस इज योर आंसर। तो बाकी एग्जाम्पल्स इस तरीके से ही हैं आपके। अब मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अब एक्सरसाइज पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये आप बताओ मुझे, सेम अभी किया है हमने इस तरह का। डन, बुक है। क्वेश्चन नंबर वन हमें गिवन है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एन ऑफ एक्स इज 17, एन ऑफ वाई इज 23, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज 38, फाइंड एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमें एन ऑफ एक्स गिवन है, एन ऑफ वाई गिवन है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई गिवन है, वी आर टू फाइंड एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन ऑफ एक्स लिखो 17 गिवन है, लिख लो फिर कैलकुलेट करके बताना मुझे। एन ऑफ एक्स इज 17, मैम 2। हाँ जी मैम 2 है आंसर। जस्ट अ मोमेंट बच्चे, अभी चेक कर लेते हैं। एन ऑफ एक्स आपको 17 गिवन है, वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.6। एन ऑफ वाई आपका 23 है, एक्स यूनियन वाई 38, यस 2 विल बी द आंसर बच्चे। एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, दैट इज एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, तो दिस इज 40 माइनस 38, दैट इज 2, सो 2 इज योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, तो दैट यू विल डू योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक ग्रुप हमें गिवन है 400 पीपल का, वी आर गिवन दैट 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। टोटल 400 गिवन है, यानी कि 400 क्या हो गया, यूनियन हो गया, ठीक है। एच मान लेना, लेट द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच एंड सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स इंग्लिश इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, तो एन ऑफ एच यूनियन ई, यूनियन आपको 400 गिवन है कि टोटल 400 पीपल का ग्रुप है, आउट ऑफ दैट 250 कैन स्पीक हिंदी, तो ये पूरा प्रॉपर वे में लिखोगे। हाँ जी, अभी आपके लिए वो डिसाइड, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट।
most probably the pattern will be same as plus 2. Let us see. N of X union E, that is 400. Iske baad 200 people can, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. So you are to find the number of students who can speak both Hindi and English. Hindi and English. Yes. H intersection E. चलिए क्या आएगा? 50, 400. Formula लिख लेना. That is 250 plus 200 minus 400. ठीक है भाई. That is equal to 50. Question number 4. S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? Same way mein kar loge. So fifth is your homework part. Question number 4 is your homework part. Fifth wale mein bhi same hai, that also you will do yourself. Question number 6 pe aa jao ab. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. ठीक है कि दोनों में से कम एक ड्रिंक जो है हर पर्सन को अच्छी लगती है. How many like people like both coffee and tea? ये जो लाइन हमें दी गई है कि likes at least one of the two drinks, that is given for the purpose कि कोई भी पर्सन बीच में ऐसा नहीं है जो ना टी पी रहा है ना कॉफी पी रहा है, ताकि हमारा यूनियन वाला भी कंसेप्ट आए, इंटरसेक्शन वाला भी आए. एन ऑफ टी और एन ऑफ टी तो आपका है. ठीक है, तो क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है. Who drink coffee? C. Who drink tea? Is T. चलो बताओ क्या क्या गिवन है. C union T. Okay. और C 37 T 52. So you are to find those who drink tea, both tea and coffee. So that is equal to 37 plus 52 minus 70, 19. So that is your answer. Question number 7, 8, homework part same. अब moving on to miscellaneous exercise. उसका भी 12th और 13th question आपका 13th and 14th are similar to this, that you will do yourself. अब question number 15 करवा रही हूँ. अभी तक जो हमने ये किए हैं उसमें दो का union या दो का आपका intersection आ रहा था. Now the question number 15 जो हमें given है इसमें हमारे पास अब तीन चीजें हैं. ठीक है, तो तीन चीजों वालों को अगर आप वेन डायग्राम से करोगे तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू. तो लेट अस सी कि आप उसको कैसे करोगे. पहले स्टेटमेंट देखो हमें क्या गिवन है. स्टेटमेंट में वी आर गिवन दैट इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 read newspaper T, and 26 read newspaper I. 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers. ठीक है, तीन तरह के हमें newspapers given हैं, तो हम क्या करेंगे. अब तीन तरह के में जो newspapers given है
उसमें वो इस तरीके से कह रहे हैं कि लेट अस सपोज कि हम उनको एच टी और आई से डिनोट कर देते हैं, उसके बाद एच और टी दोनों पढ़ रहे हैं, टी और आई दोनों पढ़ रहे हैं, आई और एच दोनों पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं दोनों के लिए इंटरसेक्शन आए, और कुछ ऐसे हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर्स को पढ़ रहे हैं। ये चीजें हमें गिवन है। जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, लेट दिस बी रिप्रेजेंटिंग एच, अब एच के साथ टी और आई का इंटरसेक्शन जो कॉमन पढ़ रहे हैं, तो ये टी का इंटरसेक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन वन, और ये इसका आई का इंटरसेक्शन। इसमें ये वाला पार्ट अगर मैं लेके चलती हूँ, तो ये वाले जो नंबर ऑफ ग्रुप आएंगे आपके, तो यहाँ जो नंबर होगा वो आपका जो है सिर्फ एच और आई को रीड कर रहे हैं, यहाँ इस वाले को छोड़ के इतने पोर्शन में जो होंगे दे आर रीडिंग ओनली एच एंड टी, इतने वाले पोर्शन में जो होंगे दे आर रीडिंग ओनली टी एंड आई, इतने वाले में वो एच वाले रीड करने वाले हमने निकाल दिए, जो इन तीनों के इसमें आएंगे दे आर रीडिंग एच एज वेल एज टी एज वेल एज आई। तो जब हमने इनको लेके चलना है, हमने जो सबसे पीछे वाला है उसको पहले लिखना है, यानी कि हमने पहले वो स्टूडेंट जो है पीपल ले लेने हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कितने दिए हैं, कितने गिवन है पीपल, थ्री रीड ऑल द थ्री न्यूज़पेपर। तो मैंने ये थ्री ले लिए जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, गॉट इट। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हमने ये वाले नंबर निकाल, अब जो हमें गिवन है कि जो एच और टी पढ़ रहे हैं, एच और आई पढ़ रहे हैं, टी और आई पढ़ रहे हैं, उसमें ये थ्री भी इंक्लूडेड हैं, ये ध्यान देना। बस मोस्टली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो जो आपको ये नंबर गिवन है यहाँ पे कि एट रीड बोथ एट एंड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई जो है वो टोटल एट पीपल पढ़ रहे हैं अगर, तो उस एट में ये थ्री ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये थ्री जो तीनों पढ़ रहे हैं उनको निकाल देना है, तो एट माइनस थ्री यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव, यानी कि पांच जने ऐसे रह गए हु आर रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर्स टी एंड आई। इससे बाद यानी कि ये जब आप इस तरह से थ्री वाला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, आपने जब वैल्यूज लेनी है वो पीछे से लेनी शुरू करनी है। सबसे पहले आपने थ्री ले ली, उसके बाद ये वाली वैल्यू अगली में से माइनस की, आपने एट माइनस थ्री आपने फाइव कर दिया, देन यू आर गिवन 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी कितने जने रीड कर रहे हैं इसको, 11, 3 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो दिस इज 11 माइनस 3 यानी कि 8। आफ्टर दैट 29 रीड बोथ एच एंड आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, तो 9 में से 3 ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो दिस इज 6। देन सिंगल सिंगल वाले लेके चलो, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, अब 26 ये वाले सारे हैं, आई में जितने भी लिखे हुए नंबर ये 26 होना चाहिए टोटल, जिसमें से 6 प्लस 3 9 प्लस 5 14 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इधर वाले जो सिर्फ आई पढ़ रहे हैं वो कितने रह गए, 12, 26 माइनस 14। फिर उससे पीछे गए तो आपको क्या कह रहा है वो कि 26 रीड न्यूज़पेपर टी, अब टी वाला हमारा ये है, इसमें देखो 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16, टोटल कितना गिवन है हमें 26, तो कितने रह गए इधर 10। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट कितना है 25 रीड न्यूज़पेपर एच, अब एच ये है सर्कल, ये वाला है, तो टोटल इसका 25 बनना चाहिए, तो इस वाले सर्कल में क्या क्या है, 8 प्लस 3 11 प्लस 6 17, कितने रह गए 8। अब इन ऑल अगर मैं देखूं तो जो ये सर्वे हुआ था वो कितने जनों पे हुआ था, 60 पीपल पे, अब इसका टोटल देखो ये क्या बन रहा है, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 6 32, प्लस 3 35, प्लस 5 40, प्लस 12 52, यानी कि टोटल 60 पे सर्वे हुआ और 52 पर्सन ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अगर मुझे पूछा जाए कि कितने जने ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, तो दैट इज गिवन बाय देयर डिफरेंस, 60 माइनस 52 दैट इज इक्वल टू 8।
अब देखो पूछा क्या क्या है उसने. पहला क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स. कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़े, दो भी पढ़ सकते हैं, तीन भी पढ़ सकते हैं. तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर कैसे निकाल लोगे, इनका सम टोटल कर दोगे, 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12, और ये अभी हमने किया था, दैट इज गिवन टू बी 52. सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. वन न्यूज़पेपर में ये जो बाहर की तरफ, ठीक है, 8 + 10 + 12, दैट इज 30. नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर तो दैट इज 8 + 10 + 12, दैट इज 30. अब इसी पे बेस्ड, अब जरूरी नहीं है कि ये आपका क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही दो पार्ट पूछे जा सकते हैं, इसी पे बेस्ड आपका कुछ भी पूछा जा सकता है. लाइक यू कैन बी आस्क्ड हाउ मेनी पीपल रीड ओनली न्यूज़पेपर एच. ओनली न्यूज़पेपर एच में ये नंबर आ जाएगा, ओनली न्यूज़पेपर टी में ये नंबर आ जाएगा, ओनली रीड न्यूज़पेपर आई में ये नंबर आ जाएगा. उसके बाद हु रीड एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर्स 8 + 5 + 6, उसमें ये जो कॉमन वाला है जो तीनों पढ़ रहे हो वो छोड़ दो, 8 + 5 + 6. हु डिड नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 60 - 52. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है. So will you try question number 16? In a survey, it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. एक survey किया, उसमें 21 जो है लोग उनको product A पसंद है, then 26 को B पसंद है, 29 को C पसंद है. If 14 people liked products A and B, 14 ऐसे हैं जिनको A और B दोनों पसंद हैं. 12 people like products C and A. 12 ऐसे हैं जिनको C और A दोनों पसंद हैं. 14 people liked both products B and C. 14 ऐसे हैं जिनको B और C दोनों पसंद हैं. And 8 liked all the three products. Then how find how many like product C only. Product C only means C वाला आपने निकालना है. तो same way में आप Venn diagram बना के करो उसको. Starting from the last one. चलिए सबसे सेंटर वाले में क्या आएगा, 8. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं आपको, 14 liked B and C. B और C ये वाला है, 14 लाइक कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा, 14 - 8 यानी कि 6. उसके बाद 12 liked C and A. C and A 12 है, 8 ऑलरेडी ले चुके हो तो दिस इज 4. वेरी गुड. अब रह गया A एंड B. A एंड B में कितना है, 14 अगेन, 6 आ जाएगा, 14 - 8 = 6. उसके बाद प्रोडक्ट सी के लिए 29 है, तो सी ये है आपका, ऐड करो कितना आ रहा है, ये 18 आ गया, 29 टोटल था, सो दिस इज 11. वेरी गुड. देन प्रोडक्ट बी कितने हैं, 26 है. प्रोडक्ट बी में कितना बन रहा है ये, 26. वेरी गुड. देन ए, ए में 21 है टोटल, 3. That's good.
अब बताओ क्या पूछा उसने, हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट्स ही ओनली, 11, दैट्स गुड. तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू आई होप. अमिश, अमित और मधु, इफ एनी डाउट इज देयर बच्चे यू कैन आस्क. ओके थैंक यू. सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 1. विद दिस योर दिस चैप्टर इज ओवर. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 टुमारो. चैप्टर 1 के जो MCQs हैं वो आज मैं सेंड करूंगी, यू विल ट्राई दैट. ठीक है. सो थैंक यू बच्चे, आई एम एंडिंग द मीटिंग एज द टाइम इज ओवर. Thank you. Have a nice day.